नमस्कार, मु शुभश्री आपण मानक पुणी थरे वेलकम करुची मोर यूट्यूब चैनल लावण्यवती। तो फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई हेयर फोन बा चुट्टी जोड़ीबा विषय रे वीडियो नेके आसीची। तो फ्रेंड्स, रेड ओनियन रो ऑयल एवं शैम्पू एटा एवं सबुआड़े बहुत ट्रेंडिंग रे चलती है। एने आपण मैंने मतलब बहुत थर पचारि रेड अनियन ऑयल एवं शैम्पू आमर हेयर पर सुटेबुल कि नुह। तो आज ये विषय में मुझे सहित डिटेल्स डिस्कसन करी और आपण सब डाउट को क्लीयर करी कि यही आम हेयर को हेल्दी रखे हेल्प कर विषय में डिटेल्स कहबी एवं आपड़ निजे घर केमी ये रेड अनियन ऑयल को तैयारी से नहीं आपन को कहबी। तेणु आपड़ोटी को आदू स्किप न करके लास्ट जाए निश्चित भाव में देखु। जब आप चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी सब्सक्राइब कर सारे पाखे आसूबा छोट बेल आइकन टी प्रेस करने भूलु ना। आप चाहिए मतलब मोर फेसबुक पेज आउ इनस्टाग्राम पेज लावण्यवती फॉलो करते हैं। चलते आउ लेट न करके आज भिडी को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स, अनियन माने आपण जे कोनोसी अनियन नै नेले होबनी जोंटा रेड अनियन बा जो प्याज रो चपाटा नाल रंग हेथे सेई प्याज ही हमर हेयर पई हेल्दी होइथाय। ए रेड चपा थिबा अनियन रे सल्फर रो मात्रा बहुत अधिक थाय तेनु एटा गोटे आंटी फंगल एवं आंटी बैक्टीरियल भाबरे काम करिथाय। तो एटा आपणको मुंडरु डेंड्रफ हो आपणको उकुणी हो किंबा आपणको स्प्लिट एंड बा दुई मुआ केश हो किंबा आपणकर ड्राई हेयर हो ए सब कु रिमूव करिवारे हेल्प करिथाय एवं आपणकर स्काल्प रो ब्लड फ्लो को बढ़ेबारे मध्य बहुत हेल्प करिथाय जहाद्वारा कि आपणकर हेयर रो रूट्स मजबूत हेथाय एवं आपणकर हेयर ग्रोथ बढ़िथाय। एवं फ्रेंड्स, जदि आपणकर चुट्टी बहुत जल्दी धळा पड़ी जाउची सेइटा पई मध्य एटा बहुत हेल्प करिथाय। तो फ्रेंड्स, बहुत जण कोन करंती ना ए प्याज रो डायरेक्ट रस को मध्य निज स्काल्प रे लगे थांती। तो आपण चाहिले एमती करि परिबे जेहेतु यार स्मेल बहुत स्ट्रंग थाए तेणु एटा सहजरे आपणको मुंडरु जाइ न थाए तेणु मु पर्सनली जूस लगेबा डायरेक्टली अवॉइड करे। आपण यार ऑयल प्रिपेयर करनियंतु एवं तापर आपण याकु निज स्काल्प रे लगांतु। एवं फ्रेंड्स, आउ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट होउछि कि आपण यार ऑयल को ट्राए करिया पूर्वरु फास्ट निजर पेस्ट टेस्ट करनियंतु। जदि आपणको स्किन रे एटा कोनोसी रिएक्शन देखौ नै त आपण याकु आराम से यूज करि परिबे। जदि कोनोसी रिएक्शन देखौछि आपण एटाकु यूज करिबा अवॉइड करंतु। तबे आपण ए रेड अनियन रो किणा ऑयल मध्य आसुछि आपण चाहिले सेइटा यूज करि परिबे नहले आपण याकु होममेड तयारी करि मध्य आपण यूज करि परिबे। बट यार शैम्पू एवं कंडीशनर सेइटा आपण को पेस्ट टेस्ट करिया किछि दरकार नै एटा आपण बिना कोनोसी द्वंद रे आराम से यूज करि परिबे काहेकिना शैम्पू एवं कंडीशनर रे अनियन सहित अलग इनग्रीडियंट्स मध्य मिसा जायथे जोंटा कि आम हेयर पई लाभकारी होइथाय। तो फ्रेंड्स, मुझ लास्ट आपको कहबी कि आप घर किपर अनियन ऑयल को तैयारी करें पूर्व आपड़ जदि अनियन शैम्पू किंबा कंडीशनर यूज करने चाहते तेज आप बाउ रो अनियन ऑयल शैम्पू एवं कंडीशनर यूज करें मुझ बहुत थर कही सारी कि बाउ आम इंडियन प्रोडक्ट और यहाँ पूरा नेचुरल प्रोडक्ट तेणु आपड़ जब कन्फ्यूज होती कि कौ शैम्पू और कौ कंडीशनर ये अनियन यूज करेंगे तेज आप बिना कौन द्वंद में बाउर आसूबा रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू और कंडीशनर यूज करें यहाँ को बाउर हेल्दी हेयर केयर किट रे सामिल कर यार पैकेजिंग यहीपर भाव में आसी थाए। शैम्पू और कंडीशनर दुईट जगार क्वांटीटी सेम 300 ml आपको मिल जाव। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हूँ फ्रेंड्स, ये कौन हार्मफुल केमिकल मिसाइनी एटा पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रे ही तैयारी एथिरे सिलिकॉन पाराबिन सल्फेट पेग मिनरल ऑयल कलर ए सब कोनोसी हार्मफुल केमिकल मिसा जाय नाही एथिरे प्योर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स शामिल अछि जोंटा कि बाउ प्रोडक्ट रो खासियत। बंग फ्रेंड्स, आ गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट होउछि कि आपनकर जो टाइप रो हेयर हो ना काहिं कि एही प्रोडक्ट टी सब हेयर टाइप पई सूट करिथाय। हेयर टेक्सचर आपण देखि पारथिबे पानी टाइप रो एवं आपण जते बेले याको यूज करचंती तो एथिरु बहुत अधिक फेण बाहरी न थाए काहेकिना जेहेतु एटा गोटे माइल्ड शैम्पू तो एथिरु बहुत अधिक फेण बाहरी न थाए। मुंडरे आपण लगेला परे स्काल्प रे एवं हेयर रे याको लगे सल्ला परे 2 रु 3 मिनिट पर्यंत याको मसाज करंतु भलो भाबरे एवं तापर आपण धोई दियंतु। हेयर यूज रे आपणकर हेयर सॉफ्ट सिल्की शाइन हेथाय एवं आपणकर हेयर रिग्रोथ हेथाय एवं डेंड्रफ को रिमूव करथाय आपणकर हेयर रो रूट्स को स्ट्रांग करथाय एवं आपणकर हेयर फॉल को मध्य स्टॉप करथाय। एबे चलंतु कथा बा एरो कंडीशनर विषय रे। तो ए कंडीशनर रो टेक्सचर आपण देखि परथिबे एहाकु आपण हेयर रो रूट्स रो आरंभ करि टिप पर्यंत लगाई परिबे। अलगा कंडीशनर को मु आपणको स्काल्प रे अप्लाई करिया पई मना करिछि बट एटा को आपण आपणको स्काल्प रे मध्य यूज करि परिबे। एहाकु मध्य आपण आपणको स्काल्प रे लगेकी 2 रु 3 मिनिट पर्यंत रखंतु
এবং তারপরে নর্মাল ওয়াটারে আপনার হেয়ার ওয়াশ করে নিতু। তো এইটা আপনার ড্যামেজ হেয়ারকে রিপেয়ার করে, আপনার হেয়ারকে সফট করে, আপনার হেয়ারকে নরিশমেন্ট করে, আপনার হেয়ার ফল স্টপ করে। তো আপনি যদি অনিয়ন অয়েল সহিত এর শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনর ইউজ করছেন, তো এর নিহতি ভাবে ভালো রেজল্ট আপনার মিলে থাকে। এবং এই শ্যাম্পু আর কন্ডিশনর প্রাইস ফ্রেন্ড দুইটার একা প্রাইস 499 আপনার পড়ব। তো আপনি যদি এই বাউর হেয়ার কেয়ার কিট শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার নেওয়া পাই চাহুচন্তি, তো মুই হার লিংক মোর ডেসক্রিপশন বক্স রে দেই দেইতিবি, আপনি চাইলে সেইটি চেক আউট করি পারিবে। তো এবে চালন্তু কথা হবা কি আপনি ঘরে কেমতি এই রেড অনিয়ন অয়েল কু প্রিপেয়ার করি। সেথি পাই আপনি ফার্স্ট দুইটি অনিয়ন নিয়ন্তু এবং তাকু আপনি কাটি নিয়ন্তু এবং তারপরে এহাকু গ্রাইন্ডর রে পকাই নিয়ন্তু এবং সেতিরে 1 স্পুন কোকোনাট অয়েল মধ্যে পকাই নিয়ন্তু এবং এহাকু ভালো ভাবে মিক্স করি নিয়ন্তু। এবে এই অনিয়ন পেস্ট এবং সেম কোয়ান্টিটি রো কোকোনাট অয়েল নেই অল্প আঞ্চরে কড়াই রে গরম করন্তু। যদি আপনি অনিয়ন পেস্ট হাফ কাপ নেউচন্তি, তো কোকোনাট অয়েল মধ্যে আপনি হাফ কাপ নিয়ন্তু। লো ফ্লেম রে এই পেস্ট টিকু আপনি কিছু সময় ঘাঁটন্তু, যেমতি কি এই পেস্টর রঙ লাইট ব্রাউন কলর হয়ে যাব সেতিকি পর্যন্ত আপনি এখন লো ফ্লেমে ঘাঁটন্তু। এরপরে আপনি এখন ছাড়ি নিয়ন্তু এবং গোটে এয়ার টাইট কন্টেনর রাখি নিয়ন্তু। তো এইটা আপনার প্রিপেয়ার হয়ে গেল রেড অনিয়ন হেয়ার অয়েল। তো যদি আপনি চাইবে তো এতে কিছু এসেনসিয়াল অয়েল মিশাই পারিবে এর স্মেল পাই, এটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনি চাইলে মিশাই পারিবে, নহলে আপনি এখন এভয়েড করে পারিবে। যেদিন আপনার হেয়ার শ্যাম্পু করছেন, তো তার গোটে দিন পূর্ব রাত্রে আপনার এই অয়েল কু লগাই নিয়ন্তু এবং তারপর দিন সকালে আপনার হেয়ার ওয়াশ করে নিয়ন্তু। তো ফ্রেন্ডস লাস্টে পুনি সেই কথা কইবি কি কোনসি প্রোডাক্ট কেবল ইউজ করদেলে আপনার হেয়ারর সবু প্রবলেম সলভ হয়ে যাবনি। সেইপাই সবুঠ ইম্পর্টাট পয়েন্ট হচ্ছে কি আপনার হেলদি ডায়েট নেওয়া দরকার, আপনার সফিসিয়েন্ট পানি পিবা দরকার এবং সফিসিয়েন্ট আপনার শোবা দরকার। তাসহ যদি আপনার এই রেড অনিয়ন অয়েল এবং কন্ডিশনর শ্যাম্পু ইউজ করছেন, তবে আপনার এর ভরপুর ফায়দা নিয়ে পারিবে। সাই হোপ আজকের ভিডিওটি আপনার হেল্পফুল রয়েছে। রেড অনিয়ন কু নেই আপনার সব ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাই। যদি আপনার ভিডিওটি হেল্পফুল লাগিছে, তো লাইক করেদেবে এবং ভিডিওটি অধিক রু অধিক মাত্রায় শেয়ার করেদেবে। যদি সবসক্রাইব করে না সবসক্রাইব করে নিয়ন্তু। পুনি দেখাবো আগে নেক্সট ভিডিওরে। টেক কেয়ার।